देखते हैं मधुबनी जिले की सभी बड़ी खबरें। नागपुर अनुमंडलीय अस्पताल में आज एक अप्रवासी युवक की संदिग्ध अवस्था में हो गई मौत। 3 दिन पूर्व ही कोलकाता से गांव आया था युवक। अस्पताल में 2 दिनों से उपचार और भर्ती होने के लिए लगा रहा था चक्कर। 3रे दिन अस्पताल में ही तोड़ा दम। मौत के बाद सबका लिया गया सैंपल। फूस के बने घर में सफाई करते एक 55 वर्षीय महादलित समुदाय की महिला हुई सर्पदंश की शिकार। नगर थाना के मोहना मुसहरी टोला की घटना। परिजनों ने आनंद फानंद में अस्पताल में कराया भर्ती। अंधराठारी में लॉकडाउन के बाद पहली बार थाना दिवस का हुआ आयोजन। सीओ विष्णुदेव सिंह की अगुवाई में आयोजित थाना दिवस में 6 मामले का किया गया निष्पादन। पटना उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद कुमार शर्मा बने राजद के अधिवक्ता प्रकोष्ठ के प्रदेश महामंत्री। प्रदेश अध्यक्ष राजनीति प्रसाद के द्वारा श्री शर्मा को अधिवक्ता प्रकोष्ठ के प्रदेश महामंत्री बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं में जताई खुशी। बाबूबरी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई द्वारा स्थानीय जनप्रतिनिधि के प्रतिनिधियों को सौंपा 5 सूत्री मांग पत्र। एबीवीपी कार्यकर्ता दीपू कुमार की अध्यक्षता में की गई। छात्रों के भविष्य को देखते हुए समस्याओं का शीघ्र समाधान करने के लिए ठोस पहल करने की मांग। घोड़िया में नाबालिग अपहृता और उसके अपहरणकर्ता को कब्जे में लेने गए पुलिस बल पर असामाजिक तत्वों ने किया हमला। हमले में पुलिस जीप क्षतिग्रस्त। बार बार बचे पुलिसकर्मी। घोड़िया थाना क्षेत्र के रजवाही गाँव की घटना। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई झंझारपुर के द्वारा छात्रों की विभिन्न समस्याओं को लेकर स्थानीय विधायक गुलाब यादव और सांसद प्रतिनिधि को सौंपा गया मांग पत्र। छात्र हित में सकारात्मक पहल करने की मांग। इसी में सीओ प्रभात कुमार ने अंचल के सभी राजस्व कर्मियों के साथ की बैठक। 1 सप्ताह के अंदर दाखिल खारिज के सभी लंबित मामलों के निष्पादन करने का दिया निर्देश। बिस्फी प्रखंड के बिस्फी थाना पतोना ओबी एवं मौसी ओबी परिसर में थाना दिवस का आयोजन। थाना अध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित थाना दिवस कार्यक्रम में कई आपसी भूमि विवादों का हुआ निष्पादन। मधेपुर में आज आपदा प्रबंधन अनुश्रवण समिति की हुई बैठक। प्रखंड प्रमुख लक्ष्मी देवी की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक। बीते 9 जून को महिला प्रमुख के बदले उसके पति के पहुँचने से बैठक हुआ था रद्द। हरलाखी में कंटेनमेंट जोन के 3 किलोमीटर के दायरे में किया गया सड़क जाम। गाँव में एक साथ 3 कोरोना मरीज मिलने के बावजूद बरती गई लापरवाही। 6 दिनों तक अपनी मांग के समर्थन में अनशन के बाद सड़क जाम कर एसडीएम व डीएम का जलाया पुतला। हरलाखी में सरकारी कार्यों में बाधा एवं कार्यालय में तोड़फोड़ को लेकर अनशनकारी व उनके समर्थकों पर दर्ज की गई प्राथमिकी। वरीय अधिकारी से अनुमति के बगैर प्रखंड कार्यालय में किया जा रहा था अनशन। प्रखंड कार्यालय कंटेनमेंट जोन बंदी में होने के बावजूद प्रखंड कार्यालय पर जुटाया गया था भारी भीड़। झंझारपुर में एक और कोरोना संक्रमित व्यक्ति ने दी कोरोना को मात। एएनएम नर्सिंग कॉलेज के कोविड केयर सेंटर से अस्पताल कर्मियों ने कोरोना योद्धा को दी सम्मान पूर्वक विदाई। बाबूबरी में पिस्टल का भय दिखाकर अपराधियों ने 22 सवार युवकों से लूटे 25,000 नगद व मोबाइल फोन। पीड़ित बघाखाल गांव निवासी राजकुमार मिश्रा के शिकायती आवेदन पर मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। मधेपुर में निजी जमीन में ट्रैक्टर से जबरन मिट्टी भरवाने को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट। भेजा थाना क्षेत्र के द्वालक गाँव की घटना। दोनों तरफ से आवेदन मिलने पर घटना की जाँच में जुटी पुलिस। मधेपुर में एपीपीपी कार्यकर्ताओं ने फुलपरास विधायक गुलजार देवी को सौंपा 8 सूत्री मांगों का पत्र। प्रदेश कार्य समिति के सदस्य ऋषि कुमार कर्ण की अगुवाई में विधायक से किया गया छात्र हित और स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए पहल करने की मांग। हरलाखी में जमीनी विवाद में मारपीट को लेकर 5 लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज। खिरहर थाना क्षेत्र के बौरहर गाँव में जमीनी विवाद को लेकर हुई थी मारपीट। घटना के जाँच में जुटी पुलिस। बेनीपट्टी में धौस नदी के तटबंधों की बरसात पूर्व मरम्मति नहीं होने से मंडरा रहा बाढ़ का खतरा। बांध मरम्मति के नाम पर प्रत्येक वर्ष खर्च होता रहे करोड़ों की राशि, फिर भी बांध कमजोर। बाढ़ आए तो मचेगी फिर तबाही। झंझारपुर में मतदाता सूची को लेकर बीएलओ के साथ बीडीओ ने की बैठक। 18 साल की उम्र अथवा इस उम्र को पार कर चुके सभी युवक युवतियों का प्रपत्र 6 भरवाना सुनिश्चित करने का दिया निर्देश। सीमावर्ती क्षेत्र लोखा में दवा दुकानों में ड्रग्स विभाग के द्वारा की गई छापेमारी। भारी मात्रा में प्रतिबंधित औषधियां बरामद। सीमावर्ती क्षेत्र में बड़े पैमाने पर मादक व प्रतिबंधित दवाइयों की बिक्री होने पर घटना स्थिति नियंत्रण कक्ष के निर्देश पर की गई छापेमारी। अंधराठाड़ी में शिक्षिका के असामयिक निधन पर शोक सभा का आयोजन। गंग द्वार राजकीय मध्य और उत्क्रमित उच्च विद्यालय की पूर्व प्रधान अध्यापिका श्री मृतिका गीता कुमारी। शिक्षकों ने जताया शोक। बेनीपट्टी में बिजली विभाग की चल रही मनमानी। सिका
के बीच 14 दिन बाद भी बिजली विभाग ने अभिवादी जमीन से नहीं हटाया पोल। न्यायालय में चल रहा मामले वाला जमीन पर पड़ गया बिजली का पोल। बेनीपट्टी में कांग्रेस नेता के पुत्र सुशांत हत्याकांड के एक आरोपी गिरफ्तार, अन्य आरोपियों की अब तक नहीं हो सकी गिरफ्तारी। घटना को लेकर 6 नामजद सहित कई अज्ञात के खिलाफ दर्ज कराई गई प्राथमिकी। बेनीपट्टी के शिवनगर रजवा के बीच खिरोई नदी में चेक डैम का हो रहा है निर्माण। मनरेगा योजना से चेक डैम निर्माण से मजदूरों को मिल रहा है काम, किसानों को भविष्य में मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ पूर्व तैयारियों को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ली जिले की समीक्षा। जिला प्रशासन को बाढ़ पूर्व सभी तटबंधों की मरम्मति और बाढ़ आपदा से निपटने के लिए सभी तैयारियां पूरा करने का दिया निर्देश। आप देखते रहिए चौथा स्तंभ डिजिटल।